कुछ दिनों पहले देश की राजधानी नई दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में स्थित रविदास मंदिर तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बहुत लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह मंदिर खास समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। दरअसल जिस जगह पर यह मंदिर स्थित था उस जमीन पर DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना दावा कर रही है। देश भर में करीब एक से अनेक राज्यों में लोग कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे आए और इसके निंदा की। वहीं पंजाब के कई हिस्सों में लोगों ने मंदिर तोड़े जाने पर दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। दरअसल जमीन DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत होने की वजह से यह मामला विवादित बना हुआ है। पहले भी निचली अदालत पर इस विवादित जमीन को लेकर कई मुकदमे चले लेकिन कोई फैसला नहीं आ पाया। वहीं जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने तुरंत ही विवादित जमीन पर मंदिर तोड़ने के आदेश दे दिए और इसके बाद से एक खास समाज के लोग इसको लेकर कोर्ट और दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं देश के अनेकों राज्यों में इस मंदिर को तोड़े जाने पर विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रविदास मंदिर को ध्वस्त किए जाने वाले हमारे आदेशों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए। जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नेताओं की ओर से अदालत के आदेश का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोगों के विरोध को लेकर इस प्रकार का बयान देना उचित नहीं लगता है। कहीं न कहीं कोर्ट को लोगों के विरोध को समझना चाहिए और इसके साथ ही कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। यहां देखने वाली बात यह है कि मंदिर को लेकर किए जा रहे विरोध में अभी तक हमें कोई राजनीतिक रंग नहीं दिखा है। ऐसा लगता है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट किसी किसी मामले में निर्णय लेते वक्त जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करता है जो कि सही नहीं लगता है। इसके साथ ही देश का कोई भी नागरिक देश के इतने बड़े संस्थान से इस प्रकार का निर्णय लेने की उम्मीद नहीं करता है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।